जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपया महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 221 रुपए का होगा। ये महंगाई का तूफान भी लहरों की तरह आ आ कर पाकिस्तान की आवाम से टकरार। एक दफा टकराता है जब बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर महंगाई बढ़ जाती है, फिर अच्छा लोग, आप लोगों की बात करिए लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। अगर पेट्रोल पंपों पर भी देखा जाए तो वहां पर पेट्रोल भरवाने आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए सरप्राइज भी होता है। वो रात को सोते हैं पुरानी कीमत के साथ, सुबह जब उठ के जाते हैं पेट्रोल पंप पर तो नई कीमत मुंह चढ़ा रही होती है उनका, और वो परेशान होते हैं क्योंकि बजट जो है ना आम आदमी का वो मुतासर हो जाता है इससे। तो लोग कहते क्या है, आवाम कहते क्या है, जरा ये सुनिए। में डॉलर 2 रुपए महंगा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 221 रुपए का हो गया है। तो डॉलर की पिसपाई जबकि रुपया मुस्तहकम। आईएमएफ के पैकेज के हवाले से बात कर लेते हैं। आईएमएफ का पैकेज तो मंजूर हो गया। अब मजमूई तौर पे पिछले साल हमने जो टैक्स इकट्ठा करना था वो 6001 अरब इकट्ठा किया, और अब की बार हदफ 7000 पे है। फिर पेट्रोलियम लेवी से 12% महंगाई रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आईएमएफ के साथ डील के नतीजे में। पीडीएम की जो आईएमएफ के साथ अब डील हुई है, मुकद्दस डील, इस डील के नतीजे में महंगाई देखें, जब ये आईएमएफ की ये जो प्रोग्राम हमारा एक्सटेंड हो गया है, उसका ये मतलब है कि अब जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोबारा आके टकराता है जब डॉलर की कदर में इजाफा हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा आके टकराता है जब इस मुल्क के अंदर सैलाब आता है, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान क्या इसके लिए तैयार है? अवाम का तो जो एक पर्सपेक्टिव है बार बार आपको सुनने को मिलता है, क्योंकि अवाम को मईशत के बारे में कुछ पता है नहीं। कोई भी इन्हें कभी भी मामू बना दे और किसी भी नौइयत का चूरन बेच दे, ये ख़रीद लेते हैं। क्योंकि नई खुदकुशी मिली है अभी दोबारा करने का मौका लोगों को, अब आपके सामने ये पहले लोगों का पूरा नहीं हो रहा भाई, ऊपर से अब ये पेट्रोल का तूफ़ान फिर हो गया, अल्लाह खैर करे। बस पेट्रोल महंगा हुआ है, मतलब पहले ही मतलब जॉब्स नहीं है, कारोबार नहीं है, फिर ऊपर से टैक्सेस लगा रहे हैं और सहूलियात नहीं दे रहे। आमदनी इतनी है नहीं लोगों की और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, पहले 50 रुपये में आना जाना था, अब 250 रुपये में आना जाना होता है। अरे आवाम तो बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकती, जो गवर्नमेंट की मर्जी होती है उस हिसाब से सारा शेड्यूल होता है, और ऑब्वियसली पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अभी बंदा साइकिल पे आ जाए तो वो ही बेहतर है पुराने दौर पे, ये नया इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नहीं चाहिए। ये इम्पोर्टेड सरकार है, इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, सारा कुछ इसी तरह ही चलेगा, कुछ नहीं कह सकते ना इनका कुछ हो सकता है। समझ आ गई है आवाम को कि अब उसकी कोई औकात नहीं है, अब यहाँ पे सब कुर्सी के लिए लड़ते हैं और आवाम को कोई सोचता नहीं है। पेट्रोल जब इमरान खान का दौर था फिर में तकरीबन 1800 में 2000 में फुल हो जाता था, अब ये 2200 में फुल होता है, और महंगाई भी बढ़ जाएगा, गरीब लोगों के बहुत परेशानी है। हुकूमत के लिए यही मशवरा देते हैं कि अच्छे काम करें ताकि गरीबों का भला हो जाए। भी बढ़ानी है, 50 रुपए करनी है, फिर सेल्स टैक्स भी उस पर 17 रुपए करना। सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए आप नहीं समझते कि शरायत को नरम करवा लेना चाहिए था? हो भी सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। देखो एक तो यूक्रेन की जंग बजाय खुद बहुत बड़ी दलील थी, वो खुराक नहीं आ सकती, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए, एडिबल ऑयल की कीमतें बढ़ गईं, पेट्रोल की कीमत उसी की वजह से बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, ये बजाय खुद दलील थी। फिर इतना बड़ा सैलाब, इन तो बात की ही नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा वो जैसे वो अमेरिकी जनरल ने कहा था कोलन पावल ने, कि हमने जो शरारत नहीं भी कही थी जनरल मुशर्रफ से उन्होंने वो भी मान ली, निगोशिएट ही नहीं किया, सड़कों का किराया ही नहीं लिया। सड़कें इस्तेमाल हो रही हैं, सड़कें जब उन पर भारी कंटेनर चलेंगे और हज़ारों ट्रक जो है रोज़ाना चलेंगे, सैकड़ों ट्रक कम से कम रोज़ाना चलेंगे, तो उनकी सड़क की एक उम्र होती है, वो उम्र उसकी कम हो जाएगी, उसकी अगर पैसे मांगते तो वो दे। इसी तरह इन्होंने किया, जो उन्होंने कहा यानी खुद राना सनाउल्ला ने कहा कि गरेबान से पकड़ के मनवा रहे हैं, मौला फजल 45% तक पहुंची है, और पाकिस्तान के क्याम से लेकर अब तक के महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब आईएमएफ के साथ डील हुई
अच्छा एक ही जितनी अमाउंट थी, उनका भी $1 अरब था, इनका भी $1 अरब है, तो यहां कोई फर्क नहीं है, दोनों का $1 अरब की डील है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनी डील में 10 रुपए लीटर किया था, डीजल की कीमत में इजाफा लगभग 10 रुपए लीटर किया था, यह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की IMF के साथ डील थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने IMF से डील से पहले ही पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 130 रुपए तक बढ़ा दिया है। यह मुकद्दस डील है, पैसे उतने ही मिल रहे हैं डॉलर्स में, लेकिन आप देखें कि महंगाई में कितना फर्क है, पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में कितना फर्क है। अब आ जाएं गैस की कीमत में इजाफा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी गैस की कीमत में इजाफा किया था, लेकिन वो 20% के लगभग था IMF की डील के नतीजे में, और PDM की हुकूमत ने जो इजाफा किया है गैस की कीमत में वो 45% के लगभग है, जबकि 335% तक ये इजाफा होगा, डील कर ली गई है। बिजली की कीमत 100% तकरीबन बढ़ा दी है PDM की हुकूमत ने IMF के डील के नतीजे में, और इसके अंदर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो एक बहुत बड़े चार्जेस उसके लगा दिए हैं, सेल टैक्स लगा दिए हैं, दर्जन भर किस्म के इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ टैक्सेस लगा दिए हैं। तो IMF की डील जो अब PDM के साथ हो रही है, इसमें बिजली दुगनी से ज़्यादा महंगी हो गई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जब IMF के साथ डील की तो बिजली कभी भी चंद पैसों से ज़्यादा नहीं बढ़ती थी, 1 रुपया बढ़ गई, कुछ चंद पैसे बढ़ गई, इस तरह बिजली की कीमत बढ़ती थी उस दौरे हुकूमत में, बल्कि उन्होंने IMF की डील के बावजूद बिजली को 5 रुपए यूनिट सस्ता कर दिया था। अब आप बिजली नहीं खरीद सकते मौजूदा IMF की डील के नतीजे में। चूरन फरोश मुल्क में बहुत घूम रहे हैं और चूरन के खरीदार भी मुल्क में बहुत हैं, यानी कि हमारी आवाम, लेकिन सनतकार ताजिर अब क्या करेगा। देखें ये जो लोग अजनास में काम कर रहे हैं, कमोडिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, देखें जैक अप द प्राइसेस, बट कैन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो जैक अप द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोड्यूस, क्योंकि अगर वह नेसेसिटीज़ नहीं हैं यानी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल नहीं हैं, तो फिर उनकी सेल्स में डिक्लाइन आएगा। और इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, यकीन करें मैंने सुना है कि स्टील बार्स की डिमांड भी रहमान ने कहा गर्दन से पकड़ के मनवा रही है, और ये खुद आप इनके अपने लोग कहते रहे, कोई फरमाइश ऐसी है नहीं जो उन्होंने पूरी ना की हो, बात की नहीं। हमेशा ये होता था, देखिए गुलाम इसहाक वगैरह जब मुज़ाकरात करते थे तो पहली बात तो ये है कि वो लाओ लश्कर लेके नहीं जाते थे। गुलाम इसहाक का एक दौरा था, मुझे याद है, उनसे पूछा गया कि वो एक तो अकेले तन्हा एक किसी होटल में जा ठहर, छोटे से होटल में जा ठहरते, मुनासिब से होटल में जा ठहरते, मुझे पूछा खान साहब को ख़रीदारी की है, कह लगे हाँ एक स्वेटर ख़रीदा था, एक स्वेटर। आप वो गए परवेज अशरफ क्या कर रहे हैं कनाडा में, उन होटलों में खाने खा रहे हैं जिसके निर्ख देख के आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्या ख़ास लिबास पहने हुए हैं, एक मीटिंग की है, 25 आदमी गए हैं, बांग्लादेश के 8-9 आदमी गए हैं, 5 आदमी और इंडिया के 9 आदमी गए हैं, और मीटिंग्स कर रहे हैं, परवेज अशरफ साहब कोई मीटिंग्स नहीं कर रहे। ये इन हालात में कौम डूब रही है, लोग पानी के एक कतरे को एक एक लुक में को तरस रहे हैं। अभी खबर आ रही थी दूध के सिवा बच्चों को कुछ नहीं, दूध भी सब बच्चों को नहीं मिल रहा है, और थैलों का आपने खुद बताया कि कोई निज़ाम अभी नहीं। इतनी अफरत तफरी में निज़ाम बनने में वक्त लगता है, ठीक है, कौम को मोटिवेट नहीं आप कर रहे, और फरमा रहे हैं सियासत ना करें, सियासत ना करें, भाई ये सियासत नहीं है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के फंड में जो इमरान खान ने अपील की उसमें पैसे जमा ना करें, वो पैसे सैलाब जदगान को मिलेंगे ना, तो ये और सियासत क्या होती है जी। आप फोटो सेशन कराते रहे और साथ तबलीग करते, ये करेक्टर है हमारे लीडरों का, ये अपना तर्ज एहसास है, तो क्या इसका नतीजा निकलेगा। इस वक्त यकसू होना चाहिए, नंबर वन मसला है आपकी जो इतनी बड़ी आबादी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1/3 आबादी मुतासर हुई है, और अभी और होगी, अंदेशा है, अल्लाह रहम करे। हरूं जो आपके फ्रेंडली ममालिक हैं और दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अब आपके लिए फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार हो गए, तो इससे ये होगा कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज जो आपकी पाकिस्तान के डॉलर के साथ जो एक जो रुपए की वॉलेटिलिटी आप देख रहे थे वो खत्म हो जाएगी और हम एक स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की तरफ जो है वो बढ़ेंगे।
उससे बिजनेस जो कम्युनिटी है, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, उसका एतमाद भी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बहाल होगा कि वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, जो एक लिक्विडिटी क्रंच था, वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और आप एक स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जहां तक तो पाकिस्तान को IMF के पैसे का देने का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में IMF के पैसे से पहले ही पेट्रोल महंगा हो चुका है। अभी सितंबर में पाकिस्तान जब दूसरी किस्त के साथ IMF से मिलेगा तो पाकिस्तान में पेट्रोल और ज़्यादा महंगा होगा। पाकिस्तानी आवाम पहले ही महंगाई की चपेट में आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ ने और सैलाब ने पाकिस्तान की फसलों को ऐसे तबाह किया है कि पाकिस्तान में टमाटर और प्याज की भारी किल्लत हो चुकी है, जिससे परेशान पाकिस्तानी आवाम को एक और झटका दे दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने। अब पाकिस्तान में डॉलर आने वाले हैं IMF की तरफ से, अगले एक से दो हफ्ते में पाकिस्तान को डॉलर मिल सकते हैं, जिससे पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करेगा। लेकिन ये डॉलर पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं हुए कहीं नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी सैलाब में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को अभी और डॉलर की ज़रूरत होगी, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।